हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 5 और 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुक्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचनं गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की तय हो। पहला स्कंद दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में शौनक मुनि ने सुख गोस्वामी से प्रश्न किया था, अश्वासरिष्ठस्त्रिदातताइनो युधिष्ठिरो धर्ममृतां वरिष्ठ सानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं सवृत्त किमकार चित्तत। आखिर उन्होंने राज्य कैसे किया, कैसे राज्य में प्रवृत्त हुए और उन्होंने कैसे राज्य किया। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस भागवत में
ये जानने की इच्छा क्यों कर रहे हैं सोनिक मुनि कि उन्होंने राज्य क्यों किया, है ना। राज्य वैसे भी किया हो इनको क्या मतलब, ये जानकर क्या फायदा। तो फिर यहाँ पर इस बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है कि उनका राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध था। जैसे हमने कल पढ़ा कि महाराजा युधिष्ठिर का राज्य इतना समृद्ध था, कामम वर्ष पर्जन्य, जितनी इच्छा होती थी उतनी वर्षा होती थी, सर्व काम दुभा मही, और पृथ्वी जो है वो संपूर्ण जो सुख की सामग्रियां हैं वो जीवों को प्रदान कर रही थी। शिशिशु व्रजान गावह, जो गाय हैं उनमें से बहुत ज्यादा दूध निकलता था, पाय सोध स्वती मृदा, वो बहुत ज्यादा संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, और जो पूरा घास है वो अपनी दूध से गीला कर देती जहाँ वो रहती थी। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, शौनक मुनि सूत गोस्वामी के द्वारा ये जानना चाहते हैं या हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई सुखी जीवन गुजार सकता है, क्योंकि हर कोई सुखी जीवन गुजारना चाहता है, जितने भी शासक हैं वो चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो ज्यादा सुखी हो जाए, तो उसके पीछे केवल आपकी मेंटल जो ये विधियाँ, जो जैसे हम आजकल सब लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कि हम ऐसा कर देंगे, दूसरे वाले मुल्क को दूसरे कंट्री को कष्ट पहुंचा कर हम दुखी हो जाएंगे, या बहुत बड़े बड़े बॉम्ब बनाकर दुखी हो जाएंगे, या फिर सुखी हो जाएंगे, मतलब सब अपनी अपनी जो योजनाएं बनाते हैं ना सुखी होने की। यहाँ पर शौनक मुनि ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में यदि राज्य समृद्ध होता है तो आपकी योजनाओं से नहीं, बल्कि प्रसन्नता यदि किसी को मिल सकती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो वो केवल और केवल कृष्ण की कृपा से मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने श्लोक नंबर 3 में पढ़ा, निशम्य भीष्मोक्तम अथाचु सूक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रय परिज्युपांता अनुजानुवर्तते। कि जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने उनको कहा कि अच्युतोक्तम, जिस तरह अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, उसी प्रकार वो राज्य करने लगे, और उसके अतिरिक्त उनका जो विज्ञान विधूत विभ्रम, उनका विज्ञान उत्पन्न हुआ, और उनके जितने भी विधूत थे और विभ्रम थे वो सब खत्म हो गए, विधूत हो गए, और उसके अतिरिक्त वो इंद्र की तरह इस पृथ्वी का पालन करने लगे, यानी प्रत्येक प्राणी का आनंद उनको प्राप्त हो रहा था। और क्यों? क्योंकि वो अजित आश्रय थे, कृष्ण के आधार पर थे, और सारे भाई उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा अजित आश्रय था और सारे भाई राजा के आश्रय, तो कितना सुंदर शासन हुआ होगा। सब कुछ कृष्ण की डायरेक्शन में जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है सुंदर शासन कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं, और श्लोक नंबर 5 में सूत जी कह रहे हैं, नद्यः समुद्राधिरया वनस्पति विरुद्ध फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वितस्तुतस्य वै। नद्यः समुद्राधिरया वनस्पति विरुद्ध फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वितस्य वै। नद्यः समुद्राधिरया वनस्पति विरुद्ध फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वितस्य वै। नद्यः समुद्राधिरयः स वनस्पति विरुद्ध फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वितस्य वै। नद्यः समुद्राधिरयः स वनस्पति विरुद्ध फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्
ऋतुतस्य वै नद्यः समुद्रागिरय स वनस्पति वीरुध फलन्त्योषधयः सर्वा काममन्वितस्य वै नद्यः समुद्रगिर। अब यहाँ पर बताएं आगे कि पहले तो गायों के विषय में बताया और ये बताया पृथ्वी बहुत सारा धन दे रही थी, इसके अतिरिक्त जितनी इच्छा होती थी इतनी वर्षा होती थी। आज कह रहे हैं नद्य, यानी जो नदियाँ थी वो शुद्ध जल से एकदम भरी हुई होती थी। किसी को पैसे देकर पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, शुद्ध जल बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त था। नदियाँ, नदियों से शुद्ध जल मिलता था। समुद्र, समुद्र से रत्न और मोती मिलते थे, यानी कि बहुत बहुत समुद्र जो है जब लहरें आती थी तो लहरों के साथ साथ बहुत बहुत समुद्र से मोती निकलते थे, बहुत ही कीमती और हीरे निकलते थे, और सारे लोग जो है वो उनको आसानी से उठाकर उनको अपने श्रृंगार में लेते थे। यानी साधारण व्यक्ति भी, उनके लिए भी रत्न मोती प्राप्त करना इतना आसान था। गिरयः, गिरयः मतलब पर्वत, पर्वत इतने समृद्ध थे। वास्तव में पर्वत जो है उनको पृथ्वी के स्तन कहा जाता है, वो इतने समृद्ध थे। अब देखो आजकल पर्वतों की कितनी बुरी दशा हो गई है, उनके ऊपर ना कोई पौधे हैं, ना पहले जड़ी बूटियों से बढ़े हुए होते थे सारे पर्वत, मतलब पर्वतों में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां होती थी और बहुत सारे उसके अंदर पौधे होते थे, गाय वहाँ पर चढ़ती थी, इतने पर्वत सुंदर और सुशील होते थे, मतलब बहुत ही वस्तुएं वहाँ से प्राप्त होती थी। और उसके अतिरिक्त सवनस्पति वीरुधि, वृक्ष जो है उनमें लता पता वनस्पतियाँ इतनी ज्यादा थी, वो उनकी जो राज्य था उनकी झांकी दिखा रहे हैं। नदियाँ, समुद्र, गिरयः, सवनस्पति, यानी कि नदियाँ भी जल से, शुद्ध जल से भरी होती थी। समुद्र जो है वो रत्न और मोती उगलते रहते थे। पर्वतों में भी बहुत सुंदर सुंदर जड़ी बूटियाँ और है ना ये पौधे इत्यादि होते थे, नदियाँ वगैरह होती थी। इसके अतिरिक्त वनस्पतियाँ और फलन्त्योषधि मतलब बहुत ही कारगर, जो मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होता था, ऐसी औषधियाँ सर्वा बहुत मतलब समस्त काममन्वितु, काममन कितनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाती थी, जितनी इच्छा होती थी ना उतनी पूर्ति होती थी। यानी कि किसी को किसी भी चीज की इच्छा होती थी तो वो उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता था, मतलब प्रकृति उनको दे देती थी। काममन्वितु तस्य वै, जिसको जितना इच्छा होती थी उसको उतना प्रकृति के माध्यम से मिल जाता था। जैसे अभी क्या होता है कि हम अक्सर अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, अनाज की वृद्धि नहीं होती, लोगों की अनाज कम हो जाता है, फ्रूट्स फल फ्रूट जो है वो भी बहुत ही कम समय के लिए आते हैं और इतना थोड़े समय के लिए, और वो भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं। पहले क्या होता था, इतने ये जो लताएं पताएं पहाड़ ये समुद्र इतने ज्यादा समृद्ध होते थे युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में कि किसी को पैसों से लेने की जरूरत ही नहीं। वो अगर बच्चे जाते थे ऐसे ही जंगल में, ऐसे वन में जाते थे थोड़ी देर के लिए, तो इतने सारे आम तोड़ते थे, इतने खाते थे, इसके अतिरिक्त भी दूसरे दूसरे फ्रूट होते थे वो तोड़ तोड़ के खाते थे। उनको पता ही होता था कि ये बेचते भी है, इनको खबर होती थी बस ये सारे दरख्त और इनसे भरे हुए तो हैं तो बस उठा के खा लो, और ऐसे ही समुद्र में से रत्न निकलते थे बस उठा के, मतलब प्रकृति इतना ज्यादा देती थी कि किसी को ये सब करने के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। बस सब लोग ज्यादातर गायों की रक्षा करते थे, जो वैश्य होते थे वो खेती करते थे, और जो क्षत्रिय होते थे वो प्रशिक्षण ये करते थे, ब्राह्मण जो होते थे वो शिक्षा देते थे। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत जो आजकल हम इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, जैसे आज से ना 50 साल पहले किसी को पता नहीं होगा कि पानी की बोतल भी पैसों से ली जाएगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो फिर लेकिन आज ऐसा हो रहा है ना, अब आज से 50 साल के बाद है ना किसी को पता भी नहीं होगा कि ये आम और ये दूसरे
ये फ्रूट्स सब वृक्ष में लगते हैं, वृक्ष सब किसी को दिखाई नहीं देंगे, बस ऐसे ही पता चलेगा कि ये मार्केट से आ सकते हैं, बस ये वृक्षों वगैरह में नहीं। तो इस तरह से जैसे जैसे संसार ऐसा हमें लगता है ना, प्रगति हो रही प्रगति हो रही प्रगति हो रही, लेकिन पता नहीं चल रहा है जीव को कि कितना ये प्रगति नहीं हो रही है बल्कि पीछे जा रहा है जीव, कितना पीछे जा रहा है। कि अब भौतिक वस्तुएं, ये जो रत्न है, ये जो समृद्धि है, फ्रूट्स है, नदियां है, शुद्ध जल, ये जो जो ऐसे ही बगैर किसी मेहनत के इंसान को मिल रहा था, आज जीव उसी के लिए सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है। और ये सब क्यों मिलता था पहले? क्योंकि जो राजा होता था वो अजित आश्रय होता था, भगवान की शरण में होता था, भगवान की भक्ति सारी प्रजा को फिर वो उसी तरह से डायरेक्शन देता था और उसी तरह से सब भगवान की भक्ति करते थे। और भगवान की जब भक्ति की जाती है तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि सब कुछ सब संतुष्ट हो जाते हैं। और वैष्णव सरकार जब होती है तब श्री रूपा जी हमेशा बोलते हैं सारा समग्र विश्व भगवत भावना के अभाव के कारण दुख भोग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये भौतिक प्रकृति दुख दे रही है, ये इसलिए दे रही है क्योंकि भगवत भावना नहीं है ना। जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, जीव भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान के आदेशों अनुसार शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता, इसीलिए उसको दुख भोगना पड़ रहा है। अनुवाद देखिए, प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रभूत मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती रहती थी। यानी कि सारी वस्तुएं जो है वो इतना ज्यादा होता था कि ऐसा लगता था सब अपना अपना टैक्स चुका रहे हैं। खुद ही खुद ही समुद्र होते थे, नदियाँ होती थी, जंगल होते थे, वो सब इतने ज्यादा समृद्ध होते थे, बस पूरे भरे हुए होते थे अपने अपने जो जो उनकी उनकी उपज है, यानी कि जो वृक्ष हैं वो सुंदर फलों से, समुद्र है वो रत्न से, पृथ्वी जो है वो अनाज से, पर्वत है वो औषधियों से, हर चीज से पूरे समृद्ध थे। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियाँ, समुद्र, पर्वत आदि परम प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते थे। कितना सुंदर है कि जब भगवान खुश होते हैं तो क्योंकि ये सारी वस्तुएं भगवान की, सारी संपत्ति भगवान की है, तो वो इतना आनंदित होती हैं कि वो अपने आनंद को बताने के लिए अपने अंदर से जो कुछ अच्छा है वो सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आज क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं है संसार में, इसलिए नदियाँ इतनी दूषित हो गई हैं। साधारण नदियों की बात कीजिए, छोड़ दीजिए, बल्कि यमुना नदी जो कि साक्षात भगवान की प्राण धन है, वो भी इतनी मलिन हो गई है कि उनको करीब करते हैं जल को पीने के लिए तो गंध आने लगती है, क्योंकि इतना दूषित हो गया वातावरण कि न नदियाँ जो है वो स्वच्छ जल प्रदान कर रहे हैं, ना समुद्र जो है वो रत्न प्रदान कर रहे हैं, ना पर्वत में औषधियाँ हैं, ना ही वृक्षों में फल इत्यादि है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि राजा अजित आश्रय नहीं होते। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा मशीनों के बल पर आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। आज सब लोग क्या सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे जिससे हम समृद्ध हो जाएंगे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तब तक प्रकृति अपनी कृपा नहीं देती। इसके लिए परमेश्वर की अनुमति चाहिए, अन्यथा सारी यांत्रिक अवस्था होने पर भी सब कुछ विफल हो जाएगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो चाहे जीव कितनी ही भगवान से विमुख होकर जीव प्रसन्न होने की चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, परंतु उसकी सारी जो क्रियाएं हैं वो सब विफल हो जाएंगी। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं,
सफलता का परम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर से राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के लिए कल्याण की रखवाली करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। यह राजा को ये पता होता था कि मुझे भगवान ने यह सब जीवों का कल्याण करने के लिए परमेश्वर का दूत मानकर स्वयं वो कार्य करता था। वो अपनी इंद्र तृप्ति को ही केंद्रित आज तो राजा को ये याद तक नहीं रहता कि प्रजा कितनी दुखी है। लेकिन पहले राजा इतने सत्यवादी होते थे, इसलिए यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर की बात की जा रही है कि वो अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण की रखवाली करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है और राज्य जो कुछ भी है संसार में, जो कुछ भी है प्रजा है और राज्य में जो समृद्धि है, वो सब भगवान की संपत्ति है। नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियाँ, ये मनुष्य की सृष्टियाँ नहीं है, ये सब परमेश्वर की सृष्टियाँ हैं। और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी है, नदियाँ हैं, फल हैं, वृक्ष हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, वो सब भगवान की सृष्टि हैं और ये भगवान की संपत्ति हैं, तो उनको उपभोग करने के लिए भगवान की अनुमति लेनी जरूरी है। और अनुमति कैसे लेंगे? भगवान को अर्पण करके, भगवान की सेवा करके। यदि भगवान की सेवा नहीं की जा रही है तो ये सारी वस्तुएं जो है उनका सदुपयोग नहीं किया जा रहा, उनका दुरुपयोग किया गया। आज क्या बोलते हैं, सब कुछ जितनी प्रत्येक वस्तु जनता के लिए, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए। सरकार भी जनता सुरक्षा के लिए और सब कुछ जनता के लिए। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षक जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक वस्तु को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज किया जाए। चाहे प्रजा है चाहे राजा है, उनको हमें देखना चाहिए कि किस तरह से संतुष्टि मिलती है। राज जो हमारा शास्त्र है वो हमें बताता है, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षक, उन्होंने जिस प्रकार राज्य किया, सबसे समृद्ध राज्य था राम राज्य और कृष्ण राज्य। कृष्ण राज्य युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य को कहा जाता है क्योंकि ये राज्य कृष्ण के आदेश अनुसार चलता था। तो ये सबसे ज्यादा समृद्ध राजा थे और राम राज्य, तो ये किस तरह से और परीक्षित महाराज जिस तरह से राज्य करते थे, तो हमें यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज का राजा भी यदि चाहता है कि हमारी प्रजा में और हमारे राज्य में एकदम हर एक वस्तु परिपूर्ण मात्रा में अपना संरक्षण दे, अपनी औषधियाँ, फल, ये सब नदियाँ, समुद्र, सब अपनी अपनी जितनी इच्छा है उतनी मात्रा में हमें वस्तुएं प्रदान करें, तो फिर हमें उन राजाओं के जैसा उनका भी अनुसरण करना पड़ेगा ना। हमें यदि हमारे आज के राजा भी भगवान के आदेशानुसार कार्य करेंगे, शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करेंगे, तो उनको भी हमारा भी आज का भी राज्य इस तरह समृद्ध हो सकता है। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य के प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। पहले हर एक अभी क्या करते हैं, आजकल का क्या जीव है कि उससे छीन कर मैं प्राप्त करूं, उसको ना मिलना चाहिए मुझे प्राप्त कर। लेकिन यदि भगवान की इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे तो जितनी भी वस्तु है वो इतनी प्रचुर मात्रा में, इतनी सफिशियंट क्वांटिटी प्राप्त होगी कि मनुष्य, पशु, हर एक जो है वो उसको बगैर किसी अभाव के
उसको स्वीकार करके अपने जीवन को संतुष्ट कर सकता है, सुख पूर्वक रहने के लिए वो पूरी है। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाता है। जब नदियाँ उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन औषधियाँ तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋषि ऋतु पर्वत परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिलेंगे, फैक्ट्रियाँ तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को और वह भी लाखों की लागत पर तथाकथित सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी लोगों के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच में गहन स्पर्धा चल रही है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आज कल के जो वातावरण में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं जो हैं वो पूरी तरह से मिल नहीं रही हैं, समुद्र से रत्न फल फूल और ये पर्वतों से औषधियाँ इत्यादि नहीं मिल रही हैं, तो फिर क्या होता है, सारे लोग जो है अब जाहिर सी बातें कमाना है तो फैक्ट्रियों में अपना समय जो है वो ज्यादा लगाते हैं, जिसके कारण उनका जो बहुत ज्यादा धनी लोग होते हैं उनका ही ज्यादा फायदा होता है और जो मतलब गरीब वर्ग है उनको तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है, वो तो सब दुखी हैं, वो बस दिन रात खाली मेहनत करनी पड़ती है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सब लोग सुखी नहीं हो पा रहे हैं और इसके कारण क्या होता है, वो जो दूसरे लोग होते हैं जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो गलत रास्ते इख्तियार करके धन ज्यादा अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच में सप्रदा, सब एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में, उससे ज्यादा आगे बढ़ो मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ो, तो भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है आज। और इस दोष को हम कैसे मिटा सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उसका बता रहे उपाय। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोष पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यदि जीव चाहता है कि समृद्ध राज्य प्राप्त हो, ये जो काल दोष है कि भाई ये कलयुग के कारण ये सब हो रहा है, तो ये केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजा जो है वो भगवत इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो यदि सारे राजा जो है वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो फिर प्रकृति जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी और हर वस्तु प्रदान करेगी प्रचुर मात्रा में। आगे सुध गोस्वामी श्लोक नंबर 6 में कहते हैं, नादयो व्यादयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां रागि कर्हचित् कर्हिचित् नादयो व्यादयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां रागि कर्हिचित् नादयो व्यादयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां रागि कर्हिचित् नादयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां
राज्य कर ही छे। शब्दार्थ नादया व्यादह क्लेशा। नादय ना मतलब कभी नहीं, आदय आदि जो आदि देवत कष्ट, आध्यात्मिक जो कष्ट होते हैं जैसे चिंताएं होती हैं और टेंशन होती है, तो उस समय क्योंकि सब कुछ इतना सुंदर था तो किसी को कोई नादय मतलब किसी को आध्यात्मिक कष्ट नहीं होते थे। और व्याधय का मतलब होता है आदि भौतिक, यानी शरीर में किसी को कोई रोग नहीं होता था, किसी को कोई बीमारी होती ही नहीं थी क्योंकि इतना स्वच्छ वातावरण होता था, तो कोई भी बीमार नहीं होता था, सारे लोग संतुष्ट होते थे, सारे लोग बीमार नहीं होते थे, टाइम पर मरते थे क्योंकि अभी जंग वगैरह भी मतलब ऐसे नहीं होती थी, सब लोग ऐसे, वो महायुद्ध हो गया था महाभारत का, अधर्म का तो नष्ट हो गया था ना, अभी अधर्म के नष्ट होने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य हुआ ना उसकी बात कर रहे हैं, कि सारे लोग एकदम समृद्ध थे, किसी को मेंटली कोई टेंशन नहीं थी और किसी को कोई रोग भी नहीं था, यानी उस समय ना डॉक्टर्स की जरूरत थी ना हॉस्पिटल की जरूरत, तो ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं थी, ये सब समय वेस्ट करने वाली बातें हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि भौतिक एजुकेशन को प्राप्त करके 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 आखिर में मर जाए, लेकिन उसे आध्यात्मिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए समय नहीं मिले, लेकिन क्योंकि अब तो इतने ज्यादा लोग इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इतने सारे हॉस्पिटल होते हैं, अब भी तो किसी बड़े कंट्री की यही मानता ये कि इसमें इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इतने बड़े 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 डॉक्टर्स हैं, वरना पहले इन सब की जरूरत ही नहीं होती थी। क्यों नहीं जरूरत होती थी? क्योंकि किसी को रोग ही नहीं होता था, व्याध है यानी कि किसी को रोग भी नहीं होता था, क्लेश किसी को अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाले कष्ट, यानी जो आदि दैविक कष्ट होते ना, जैसे देवताओं कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, कहीं पर ठंडी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, आजकल देखो कितनी तेज गर्मी पड़ती है, कितने लोग तो गर्मी से कैसे मर जाते हैं, जीव से दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो राज्य इतना समृद्ध था तो ना किसी को भौतिक चिंता मतलब मानसिक चिंता थी, ना किसी को भौतिक रोग था और ना ही किसी को ये जो भौतिक कलेश होते हैं ना आदि दैविक कलेश होते हैं वो प्राप्त, और ये दैव भूतात् महेतवा, दैव यानी ना तो देवता कभी जीव को कष्ट देते थे, यानी अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले शक्तियां, जो देवता होते थे अलौकिक भगवान के पार्षद होते थे, वो कभी किसी को कष्ट नहीं होता, आदि दैविक क्लेश किसी को भी नहीं देते थे, और उसके हेतवा उनके कारण, और ना ही जीव दूसरा जीव को दुख देता, ये है ना दैव भूतात् महेतवा, यानी कि ना ही देवता उनको कष्ट देते थे किसी को, और ना ही दूसरे प्राणी किसी को कष्ट देते थे, सब इतने ज्यादा एक दूसरे से सिंसियर होते थे, सब चाहते थे बल्कि हमारी वजह से किसी को आनंद मिले। आज का मनुष्य कब सुखी होता है? किसी को नीचा दिखा के सुखी होता है, किसी को दुखी करके सुखी होता है, किसी को परेशान करके, जीव को सक्सेस तब मिलती है कि मेरी वजह से किसी को दुख मिले, इतनी हीन भावना है आज के प्राणियों के मन में कि किस तरह से मैं उसको दबा के उसी, अगर कोई जैसे ऐसे मिसाल हम ले सकते हैं उदाहरण कि दो लड़के हो, उसमें से एक लंबा है और एक छोटा है, तो उस लंबे को देख नहीं सकता, वो खुद लंबे होने की भी ना ट्राई नहीं करता, वो बस सोचता है मैं किसी तरह से उसकी गर्दन काट लूं तो फिर वो मुझसे छोटा हो जाएगा, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मतलब कोई मुझसे आगे नहीं, सुंदरता हो या यश हो या धन हो या कुछ भी हो, एजुकेशन हो या कुछ भी हो, मुझसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए, हर एक की यही इच्छा होती है। आप किसी भी फील्ड में होगे ना आप यही सोचेंगे कि भाई मुझसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए, मैं सबसे आगे। और पहले क्या था कि सब लोग इतने विनम्र होते थे, सब लोग सोचते थे कि कितना कोई भी आगे निकलता था तो सब उसको अप्रिशिएट करते थे, दिल से उनके लिए प्रार्थना करते थे, और खुद ऐसा नहीं खुद हाथ से हाथ को खुद भी कोशिश करते थे, लेकिन किसी से कोई जेलसी नहीं होती थी, दैव भूतात् महेतवा, ना देवता किसी प्राणी को कष्ट देते थे, ना दूसरे प्राणी किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देते थे, और ना ही किसी को मानसिक चिंता होती थी, ना किसी को रोग होता था, ना ही कोई अधिक वर्षा या अधिक गर्मी या अधिक ठंडी, ये सब कुछ भी नहीं होता था,
एकदम आनंद ही आनंद होता था, क्योंकि अजात शत्रु मतलब जिसके कोई शत्रु ना हो, अजात मतलब जिनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। इनका युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजात शत्रु, यानी महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु, वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे, दुर्योधन इत्यादि को। अब आप ऐसा लगेगा ना कि भाई वो तो उनको तो शत्रु मानते होंगे तब भी मारा उनको, नहीं उनको शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन उनको इसलिए मारा क्योंकि भगवान के आदेश था कि वो अधर्मी है उनको मारना, लेकिन वो किसी को भी अपना शत्रु मानते ही नहीं थे, वो समझते थे कि कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। और क्योंकि वो और जो इनको शत्रु मानते थे ना, उनको भी पता था कि ये हमें शत्रु नहीं मानते, तो अपने सीक्रेट्स होते थे या अपनी कोई भी बात होती थी ना, या अपनी कोई जैसे वस्तु होती थी, वो उन पे इतना भरोसा होता था कि उनको संभालने के लिए रखते थे। वो समझते थे कि इनसे ज्यादा अधिक जो है वो हमारी किसी भी वस्तु की सुरक्षा करना, एवं जिनकी पार्टी के वो होते थे ना, अगर अपोजिट पार्टी के होते थे तो भी युधिष्ठिर महाराज से ही सलाह लेते थे, उनसे परामर्श लेते थे और उन्हीं पर है ना विश्वास करते थे। तो उनका कोई भी शत्रु नहीं था। जंतु नाम रागी कर ही थे, जंतु नाम मतलब ये जितने भी समस्त जीव हैं, सारे जीव खाली मनुष्य मात्र नहीं, जितने भी जीव हैं उन सबको प्रोटेक्शन प्राप्त थी महाराज युधिष्ठिर के राज्य में। कभी किसी को कोई मानसिक चिंता नहीं होती थी, कभी किसी को कोई रोग नहीं होता था, कभी किसी को देवताओं के द्वारा कष्ट नहीं मिलता था, कभी किसी को दूसरे जानवरों के द्वारा कष्ट नहीं मिलता था, और सब संतुष्ट थे। कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती थी, ना मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक चिंता नहीं होती, ना फिजिकल हॉस्पिटल, सब लोग एकदम संतुष्ट थे, आनंद में थे। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर अजित आश्रय, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अजित भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहकर कार्य करते थे। उन्हें अनुवाद देखिए, क्योंकि राजा का कोई शत्रु ना था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्यों के प्रति अहिंसक तथा दीन पशुओं का शत्रु या हंता बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंता मुक्त रहने रहते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि किसी कोई व्यक्ति किसी जीव को कष्ट नहीं देता था, आजकल जीव को कष्ट दिए बगैर कोई नहीं रहता, और पशुओं को कष्ट देना तो सब अपना अधिकार समझते कि हमारा जन्मजात अधिकार है, पशुओं को मारो काटो पकाओ फिर खाओ, ये समझते हैं कि ये तो हमारा ये अधिकार है। इनको अगर कहा जाए कि आप ना पशुओं का वध मत करो, पशुओं को मारो नहीं, तो ऐसे तर्क देंगे ना कि हम खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे तर्क बोलेंगे, अगर हम इन पशुओं को नहीं खाएंगे तो फिर ये इतने बढ़ जाएंगे कि फिर वो हमें खाना शुरू कर देंगे, इससे बेहतर हम उनको, तो फिर खाली ये जो बेचारे जिनका मांस खाया जाता है जैसे चिकन मटन इत्यादि, वही ऐसे खूंखार जानवर हैं जो आपको खा जाएंगे। और भी तो बहुत सारे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, कॉकरोच हैं, वो क्यों नहीं खाते हो, क्या बढ़ जाएंगे? उनकी क्वांटिटी तो और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है, लेकिन बस जीव क्योंकि जीव की टेस्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है तो ऐसे से तर्क देता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मनुष्य और जीव भगवान ने पैदा किए हैं और उनको जितना जीना है, और जब उनको मारना है वो भगवान की जिम्मेदारी, किसी जीव की जिम्मेदारी नहीं है, कि किसी मनुष्य की जिम्मेदारी नहीं है कि जानवरों को काट काट के खाते रहे और फिर ये सोचे कि अगर इनको नहीं मारेंगे तो फिर ना कि हमें मार डालेंगे। वास्तव में आज का युग जो है वो इतना ज्यादा अपराधी हो गया है कि उनके मन में ये बात याद उनको माइंड में भी नहीं आता है कि ये अपराध है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस युग में
विहीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंता को लेते, सदैव दुखी रहते हैं, सदैव आज नहीं तो कल मेरा यही हाल होने वाला है। इवन जानवर तो क्या, मनुष्य का भी यही हाल, हर वक्त टेंशन में रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में, सामूहिक रूप में या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म, युद्ध का तनाव बना रहता है। बस हर वक्त ठंडा गरम युद्ध चलता रहता है, या तो फिर डायरेक्ट से मारते हैं या फिर पीठ पे वार करते हैं। सब एक दूसरे को दुखी करने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र ना थे, भले ही विभिन्न अधीन राज्य थे, सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता रोग तथा अधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते, और दूसरे राज्य नहीं थे, हर कोई अपना अपना नहीं चलाता था, सारे राज्य जो थे वो युधिष्ठिर महाराज के अधीन थे। और जो उन्होंने मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ से आते थे, और वो किन के आश्रय थे, ये हमें याद रखना है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार राज्य करते थे और बाकी सारे राजा जो थे वो उनके आदेशों का पालन करते थे। इस तरह से सारे जीव जो है वो चिंताओं, रोगों, तापों, ये जो अधिक वर्षा, अधिक गर्मी और ये जंग, ये सब दुख तकलीफें, जरा सॉरी व्याधि, बीमारियों वगैरह से छूटे हुए थे। रोग तथा अधिक ताप या शीत गर्मी से मुक्त रहते थे। वे न केवल आर्थिक रूप में संपन्न थे अपितु शरीर से स्वस्थ थे। वो उनको धन भी उनके पास होता था, शरीर से। आजकल देखा जाए तो राजा की तो बात, मतलब प्रजा की तो बात छोड़िए, प्रजा कितनी दुखी है, प्रजा कितनी दुखी है, हर एक जीव के जो जानवर है उनके पास जो राजा है वो कितने दुखी है। आजकल जनता को छोड़ो, राजा रेगुलरली, उनको पता होता है जितने भी राजा बने हुए जैसे प्रधानमंत्री, रेगुलर उनको पता होता है कि हमारी दवाई खा के फिर ही हम सोना होते। सोने की भी दवाई होती है, भूख लगने की भी दवाई होती है, और है ना चलने की होती है, हर वक्त मतलब इतना डायबिटीज होता है कि खा भी नहीं सकते हैं सीधी तरह से, और या तो फिर उनको और इतने सारे बड़े बड़े छोटे छोटे उनके पास बीमारियां होती। असल में इन सब की दुखों की वजह क्या है, क्योंकि कोई भी अच्युत आश्रय नहीं है, कोई भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ नहीं। तो आजकल तो बस लोगों को यही होता है कि किस तरह से हम सुखी होंगे, दूसरों को दुखी करके, बस यही उनके सुखी होने का एक ही माइंड में बात आती है कि दूसरे मेरे से दुखी वाला व्यक्ति देखूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा बस। लेकिन पहले राजा युधिष्ठिर के राज में ना केवल आर्थिक विकास था, बल्कि सब लोग शरीर से भी स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बस उनको कोई ना मेंटली कोई प्रॉब्लम था, ना फिजिकली कोई प्रॉब्लम था, ना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम था, तो फिर वो आसानी से भगवान की भक्ति कर सकते। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहस्थिन परिवार को। श्रील प्रभुपाद जी ने बंगाली एक कहावत लिखी है कि राजा बुरा होगा तो पूरा राज्य बिगड़ जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा, ना समुद्र ना नदियाँ, न कुछ समुद्र रत्न देंगे, ना नदियाँ शुद्ध जल देंगे, ना पहाड़ औषधियाँ देंगे, ना पेड़ और है ना ये सब फल फूल इत्यादि देंगे। राजा अच्छा नहीं तो राज्य बिगड़ जाएगा। और अगर एक गृहस्थिन अच्छी नहीं है, एक परिवार में यदि माता सही नहीं है तो फिर पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है कि चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसके कोई शत्रु ना था, अजात शत्रु था, और वह भगवान का मान्य दूत था तथा उनके द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी।
क्योंकि भगवान के आश्रय था, तो सब कोई समझो भगवान के ही, इनडायरेक्टली सब भगवान के आदेशों का पालन कर रहे थे। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा माननीय ना हो, तो वह अपने अधीन लोगों को सुखी नहीं बना सकता। यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने सुखी होने का एक सरल उपाय बताया है कि आपको पहले पवित्र होना है, पवित्र भावना के साथ भगवान के आदेशों का पालन करना है, तब तक भूल जाओ कि तुम्हारे द्वारा कोई सुखी होगा। शिला प्रभुपाद जी बोलते तो वह अपने अधीन लोगों को सुखी नहीं बना सकता। केवल किसी को कपड़े दे देना, किसी को ना दवाई दे देना या किसी को एजुकेशन दे देना, उससे उसको सुखी नहीं किया जा सकता। सुखी तो जीव तब करेगा जब उसे भगवत प्रेम सिखाएगा। जब भगवत तो सबसे बड़ा दान क्या है कि किसी को हम भगवान की भक्ति करना सिखा। क्योंकि यदि कोई जीव जो है वो भगवान की भक्ति करता है तो उससे सारी चीजें प्राप्त होंगी। वो भौतिक मतलब आर्थिक विकास भी होगा, भौतिक उसकी इच्छाएं आवश्यकताएं भी भगवान पूरी करेंगे, मानसिक चिंता भी खत्म करेंगे, शरीर का रोग भी खत्म करेंगे। मतलब किसी को यदि परफेक्टली आनंदित होना है तो भगवान की भक्ति करनी, क्योंकि जब तक जीव इस संसार में रहेगा तब तक उसे दुखी रहना पड़ेगा। फिर भगवान की भक्ति करके भगवान कहते हैं माम उपेक्षित, मेरे पास प्राप्त मुझे प्राप्त हो जाओगे पुनर्जन्म, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में जन्म लेकर तो आपको जो भी प्राप्त होने वाला है वो दुखी करने वाला है और अनित्य है, इसलिए तो तुम मेरे पास आ जाओगे और वहाँ से तुम्हें कभी नहीं निकलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा दान क्या है कि हम किसी को कृष्ण भक्ति सिखाते हैं जिससे उसकी समस्त प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी अच्छी बात बता रहे हैं बहुत। यहाँ पर मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है और ऐसे सहयोग से ही संसार में सुख शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है। यानी कि जब भगवान मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो भगवान प्रकृति को मतलब भगवान की भक्ति करता है तो प्रकृति प्रसन्न हो जाती है और प्रकृति मनुष्य को प्रसन्न करती है। तो इस तरह से संसार में सुख शांति और समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर के राज्य में देखा जाता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है केवल क्लेश ला सकती है। आजकल किस चीज का है, दूसरों को दुख पहुंचा कर, दूसरों को दूसरों से छीन कर, दूसरों को तकलीफ पहुंचा कर हम आनंदित हो सकते हैं, इससे केवल क्लेश होता है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का यज्ञ करेंगे, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होगा और सब जीव जो है वो भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, तो फिर प्रकृति इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि वो हर एक जो हमारी वांछित वस्तु है वो प्रचुर मात्रा में प्रोवाइड करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरि बोल।